बॉडी प्लस सॉफ्टजिलेक्टेन कैप्सूल, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको हिंदी में दी जाएगी। इसका डोज क्या होता है, कितना दिन लेना चाहिए, किस तरह की समस्या में लेना चाहिए, कैसे आपको हेल्प करता है, क्या साइड इफेक्ट देखने को आते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं तो अंत तक बने रहे। तो पहले हम बात करेंगे बॉडी प्लस सॉफ्टजिलेक्टेन कैप्सूल के बारे में। तो इसका जो पैक है वह 10 कैप्सूल का कॉस्ट जो है 155 रुपया है, और इसके अंदर जो ऐड किए गए हैं वो मल्टीविटामिन, मल्टीमिनरल, एंटीऑक्सीडेंट ऐड किए गए। तब बात करते हैं इसे कब दिया जाता है या लेना चाहिए। तो जब आपको जनरल वीकनेस रहता है, मल्टीविटामिन की कमी रहती है, मल्टीमिनरल्स की कमी रहती है, एंटीऑक्सीडेंट की कमी रहती है, यानी आप चलने उठने बैठने में काफ़ी तकलीफ महसूस करते हैं, बहुत जल्दी टायर्ड हो जाते हैं, कहीं आप काम करने की इच्छा नहीं होती आपकी, और काफ़ी लंबे समय से आप बीमार चल रहे थे, या जैसे कि 2-4 हफ्ते में आप एक बार बीमार पड़ जा रहे, सर्दी खांसी जुकाम हो जा रहा है आपको, या जैसे कि आपका 1-2 हफ्ते पहले जैसे 1-2 दिन के लिए आप भर्ती हुए थे हॉस्पिटल में, या जैसे कि आपको जनरल वीकनेस है जिसमें आपको पावर कम महसूस हो रहा है, यानी कि आपको शारीरिक जो क्षमता है वो कम महसूस हो रही है, तब इसे दिया जाता है। इसका जो डोज रहता है वह काफ़ी अच्छा रहता है, वंस डेली डोज रहता है, कन्वीनियंट डोज है, और ये एक्टिवनेस की आपको बढ़ाता है, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, और आपको जैसे कि ये काफ़ी ताकत दिलाता है, स्ट्रॉन्ग करता है आपको, ताकि आपकी जो दिनचर्या की जो क्षमता है वह बढ़ जाए, और आप जो जल्दी थक जा रहे थे, जल्दी थकावट महसूस कर रहे थे, एग्जॉस्ट फील कर रहे थे, वह ना करें आप। तो इसका अडल्ट में जो डोज रहता है वंस डेली डोज रहता है, लगभग आप इसे वंस डेली ले, आप इसे 1 महीना तक ले, 2 महीना तक ले, जब तक आपकी कमजोरी हो रही तब तक आप इसे ले सकते हैं। तो अगर आप इसे परचेस करना चाहते हैं, यूज़ करना चाहते हैं, तो एक बार जरूर डॉक्टर से कंसल्ट करें। यह वीडियो एजुकेशन नॉलेज पर्पज के लिए बनाए गए, मेडिकल स्टूडेंट के लिए। खुद से लेंगे तो कुछ इस तरह के कॉमन साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है, जिसमें आपको उल्टी आ सकती है, जी में चला सकता है, पेट में गैसेस हो सकते हैं, और जैसे कि आपको टेस्ट में थोड़ा सा डिफरेंट लग सकता है, आपको कच्ची ढिकार आ सकती है जिसमें टेस्ट थोड़ा अलग लग सकता है आपको, और जैसे कि आपको थोड़ा सा टेस्ट की वजह से थोड़ा आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप खाना खाने के बाद लेंगे, आधा एक घंटा बाद, तो ये सारी समस्या दूर हो सकती है आपकी। तो अगर आप इसे परचेस करें जरूर डॉक्टर से कंसल्ट करें। तो अगर आप वीडियो चैनल पर पहली बार विजिट के, वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक कर दीजिएगा। फ्यूचर में अपडेटेड रहना चाहते हैं और मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डाउट है डायरेक्ट वीडियो ये पूछ सकते हैं, फिर मुझे नेक्स्ट वीडियो।